गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, प्यारे बच्चों, आज असी अपना फैब्रिक स्ट्रक्चर एंड अप्लाइड डिजाइन का नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करन जा रहे हैं, जिसका नाम है वेलवेटीन फैब्रिक। इस टॉपिक के अंदर असी इस वेलवेटीन फैब्रिक की इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस किच, इसनू किस तरह वीविंग लूम ते कंस्ट्रक्ट किया जाता, किस तरह बनाया जाता है, फर्दर इसकी क्लासीफिकेशनस की है, वेलवेटीन फैब्रिक्स की टाइप्स केड़िया-केड़िया हैं, वो असी इस वीडियो लैक्चर दे विच पढ़ांगे। फर्स्ट ऑफ ऑल द करैक्टरिस्टिक्स ऑफ द वेलवेटीन फैब्रिक, इस दे विच वो कह रहे हैं कि मेन करैक्टरिस्टिक्स ऑफ वेलवेटीन फैब्रिक्स आर द वेलवेटीन फैब्रिक इज ऑल्सो नोन एज वेफ्ट पाइल फैब्रिक। जड़ा वेलवेटीन फैब्रिक है इसनू वेफ्ट पाइल फैब्रिक भी कहा जाता है, क्योंकि इस पर्टिकुलर फैब्रिक दे विच भी असी कपड़े दे सरफेस उत्ते ब्रश फॉर्म होएगा, बट वो जड़ा ब्रश फॉर्मेशन जड़ा पाइल इफेक्ट कपड़े दे सरफेस ते प्रोड्यूस होएगा, दैट इज विद द हेल्प ऑफ वेफ्ट। इस करके इस वेलवेटीन फैब्रिक नू वेफ्ट पाइल फैब्रिक भी कहा जाता है। जिस तरह असी लास्ट लैक्चर दे विच अपने वेलवेट फैब्रिक पढ़िया सी, उसनू असी कहा सी कि वेलवेट फैब्रिक इज ए वार पाइल फैब्रिक। वार पाइल फैब्रिक क्यों कहा सी? क्योंकि उस दे विच उस दे फैब्रिक दे सरफेस ते जिहड़े ब्रश फॉर्मेशन हुंदे सी, दैट इज विद द हेल्प ऑफ वार। इस करके उस वेलवेट फैब्रिक नू असी वार पाइल फैब्रिक कहा सी। हुण इह वेलवेटीन फैब्रिक है, इस दे विच असी कपड़े दे सरफेस ते ब्रश फॉर्मेशन करन जा रहे हां, बट विद द हेल्प ऑफ और विद द यूज ऑफ वेफ्ट। इस करके इस वेलवेटीन फैब्रिक नू भी असी वेफ्ट पाइल फैब्रिक कहने। ठीक है, वेलवेट फैब्रिक और वेलवेटीन फैब्रिक दोनों चीज कपड़े दे सरफेस उत्ते ब्रश फॉर्मेशन होएगी। ठीक है, बट जड़ा वेलवेटीन फैब्रिक है इस दे जड़े जड़े कपड़े दे सरफेस उत्ते जड़ी ब्रश फॉर्म होंगे वो शॉर्ट होंगे ते डेंस होंगे, बट जड़ा वेलवेट फैब्रिक है उस दे कपड़े दे उत्ते जड़े ब्रश फॉर्मेशन होंदे सी वो ज्यादा वड्डे होंदे सी। बट इस दे केस दे विच की है, वेलवेटीन फैब्रिक दे विच की है कि इसके सरफेस से जड़े ब्रश फॉर्म होंगे वो शॉर्ट होंगे। सो यह साडा की है, वेफ्ट पाइल फैब्रिक है, क्योंकि इस दे कपड़े दे विच असी कपड़े दे सरफेस उत्ते ब्रश फॉर्म करते हैं विद द हेल्प ऑफ वेफ्ट। नेक्स्ट है, इट रिक्वायर्ड वन सीरीज ऑफ वार्प एंड टू सीरीज ऑफ वेफ्ट। क्योंकि यह वेफ्ट पाइल फैब्रिक है, इस करके इस फैब्रिक नू कंस्ट्रक्ट करने लई सानू वन सीरीज ऑफ वार्प सिंगल ही होएगा जो कि ग्राउंड एंड होएगा, ते वेफ्ट सानू दो तरह का चाहिए, केड़ा-केड़ा, एक ग्राउंड पिक पेगी, एक पाइल दी पिक पेगी। सो वेफ्ट दो तरह का, जिहड़ा साडा पिछला वेलवेट फैब्रिक सी वो साडा वार पाइल फैब्रिक सी, उहदे विच की आ वार दो तरह का ही, वेफ्ट सिंगल सी, इस करके वो वार पाइल फैब्रिक सी। अगर वार पाइल फैब्रिक है तो वार दो तरह का होगा, वेफ्ट सिंगल होगा। अगर वेफ्ट पाइल फैब्रिक है, वेफ्ट दो तरह का होगा तो वार सिंगल होगा। सो वेलवेटीन इज ए वेफ्ट पाइल फैब्रिक, इस करके इस पर्टिकुलर फैब्रिक दे विच जिहड़ा साडा वेफ्ट है वो दो तरह का है तो वार सिंगल है। ठीक है, द पाइल वेफ्ट इज कट आफ्टर वीविंग ड्यूरिंग फिनिशिंग रिजल्ट्स इन ए फैब्रिक सरफेस कंसिस्टिंग ऑफ शॉर्ट एंड डेंस टफ्ट। इस पर्टिकुलर फैब्रिक दे विच की है कि असी जदों कपड़े दे सरफेस उत्ते ब्रश फॉर्मेशन करनी हुंदी है, द ड्यूरिंग द वीविंग ऑफ द फैब्रिक ऑन द लूम, कपड़े दे सरफेस उत्ते लंबे लंबे पाइल दे पाइल दा जदों वेफ्ट इंसर्ट हुंदा, एक ग्राउंड दी पिक पंदी है, एक पाइल दे वेफ्ट दी पिक पंदी है। जदों पाइल दे वेफ्ट दी पिक पंदी है तां ओह कपड़े दे सरफेस दे उत्ते लंबा फ्लोट छड्दी है। कपड़ा बनन तों बाद असी उस लंबे फ्लोट नूं कट दिंदे आ, कपड़ा बनन तों बाद असी ओह जिहड़ा वेफ्ट दा लंबा फ्लोट जो कि पाइल दे वेफ्ट दा हुंदा है उस नूं असी आफ्टर वेविंग कट दिंदे आ विद दी हेल्प ऑफ, साडे कोल नाइफ हुंदे ने जिस दे नाल असी ओह लंबा वेफ्ट दा फ्लोट कट दिंदे आ, ते ओ की है कपड़े दे सरफेस उते इन दी फॉर्म ऑफ ब्रश ओ कपड़े दे सरफेस उंदे वर्टिकल फॉर्म दे विच खड़ा हो जांदा, जो कि ए सारा काम फिनिशिंग प्रोसेस दे विच है। वेलवेट फैब्रिक दे विच की सी कि असी कपड़े दे सरफेस उते जिहड़ा साडा ब्रश फॉर्मेशन जिहड़ा कटिंग ऑपरेशन हुंदा सी ओ ड्यूरिंग द वीविंग हुंदा सी विद द इंसर्शन ऑफ वायर, बट इस केस दे विच की है वेलवेटीन फैब्रिक दे विच की है कि असी पाइल दो तरह दी पिक्स पै रही है, एक ग्राउंड पिक एक पाइल दी पिक। ग्राउंड जड़ा पिक पेगा वो ग्राउंड वार्प दे नाल मिलके उसका बेस फैब्रिक बनाएगा, पर जो पाइल दी पिक पेगी वो एक लंबा फ्लोट वेफ्ट दा कपड़े दे सरफेस उत्ते देगी।
उस तो बाद जो कपड़ा बन जाता है, बन के उसनू फर्दर फिनिशिंग प्रोसैस के लाए जाने, फिनिशिंग मशीन के उत्ते लाए जाने, जो कि एक उत्थे साडे को कटिंग मशीन होंगी है, उसके नाइफ के नाल यह लंबा वेफ्ट का फ्लोट कटिया जाता है, तो कपड़े के सरफेस के उत्ते सानू ब्रश फॉर्मेशन होंगी है। सो एचे जो ब्रश फॉर्मेशन होंगे आफ्टर द वीविंग होंगे, इन केस ऑफ वेलवेट फैब्रिक उस ब्रश फॉर्मेशन ड्यूरिंग द वीविंग होंगे ही, क्योंकि उस असी वायर विद कटिंग ब्लेड यूज करते। अगे नैक्सट वो कह रहे, इट इज द फाइनस्ट फैब्रिक, इट कैन रीच अप टू 200 पिक्स पर सेंटीमीटर। ये बड़ा फाइन फैब्रिक बनाते हैं जिस दे विच असी 200 पिक्स पर सेंटीमीटर भी यूज कर सकते हैं। ड्यू टू हाई वार्प टेंशन पॉजिटिव शेडिंग मैकेनिज्म इज यूज, क्योंकि वार्प के धागे ते ड्यूरिंग द वीविंग प्रोसैस टेंशन ज्यादा होंगी है इस पर्टिकुलर फैब्रिक दे विच, तां असी पॉजिटिव शेडिंग मैकेनिज्म यूज करते हैं। नैक्सट, इन दिस फैब्रिक द सर्फेस ऑफ द फैब्रिक इज कवर्ड बाय वेफ्ट फ्लोट, and these float are severed or cut by knife action and form cut pile surface as shown। jis tarah tusi eh diagram de vich dekh pa rahe ho, the surface of the fabric is covered by weft float। eh warp hai, eh play ground di pick hai, this is your ground pick, eh tadi ground di pick hai, jehda green color hai eh pile de weft da lamba float hai over the warp, jehda eh wala white color eh tada ਜਿਹੜਾ ਸੋਲਿਡ ਬਲੈਕ ਡਾਟ ਹੈ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਰਪ ਇੰਡੀਕੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਗਰਾਊਂਡ ਪਿਕ ਜਿਹੜਾ ਵਾਈਟ ਹੈ ਉਹ ਗਰਾਊਂਡ ਪਿਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਗ੍ਰੀਨ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਈਲ ਪਿਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਇਸ ਡਾਇਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਗਰਾਊਂਡ ਦਾ ਧਾਗਾ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਾਰਪ ਦੇ ਗਰਾਊਂਡ ਦਾ ਵੈਫਟ, ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਿਕਸ ਹੈ, ਇੱਕ ਗਰਾਊਂਡ ਦੀ ਪਿਕ, ਇੱਕ ਗਰਾਊਂਡ ਦੀ ਪਿਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਗਰਾਊਂਡ ਇੱਕ ਪਾਈਲ ਦੀ ਪਿਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਾਰਪ ਸਾਡਾ ਸਿੰਗਲ ਹੈ ਗਰਾਊਂਡ ਐਂਡ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਗਰਾਊਂਡ ਦੀ ਪਿਕ ਹੈ ਉਹ ਗਰਾਊਂਡ ਵਾਰਪ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ सिंपल नॉर्मल बेस फैब्रिक बना रहा है। ग्रीन कलर इंडिकेट करता पाया तुहाडी पाइल दी पिक, जदों पाइल दी पिक इंसर्ट हुंदी है वह की है कपड़े के सरफेस उत्ते देखो लंबा फ्लोट दे रही है। यह लंबा फ्लोट की है, उस तो बाद जदों असी कटते हैं आफ्टर द वीविंग तो वह देखो इस तरह कपड़े के सरफेस उत्ते ब्रश फॉर्म के खड़े हो जाते हैं। दिस इज योर ए, इस लंबे फ्लोट को जो इतों कटिया तो यह कपड़े के सरफेस से इन दी फॉर्म ऑफ ब्रश यह कपड़े के सरफेस उत्ते खड़े हो जाते हैं, जिस इन्हों असी ब्रश में असी जे वर्टिकल कपड़े के सरफेस से आ जाते हैं, इसको टफ्ट भी कहते हैं। ठीक है, सो यही है सारा इस लाइन के दसिया। द पाइल इफेक्ट इन वेलवेट इन फैब्रिक इज नॉट प्रोड्यूस ड्यूरिंग द वीविंग प्रोसैस। यह मैं तुम्हें ऑलरेडी दस चुका है कि जो कपड़े के सरफेस के उत्ते जो ब्रश फॉर्मेशन का काम है, जो पाइल इफेक्ट है वह ड्यूरिंग द वीविंग प्रोसैस नहीं प्रोड्यूस नहीं किया जाता, बट इट इज एज ए रिजल्ट ऑफ कटिंग ऑपरेशन ड्यूरिंग द फिनिशिंग प्रोसैस। बट यह जो सारा काम है कपड़ा कपड़ा जो वीविंग मशीन से बन जाता है उसनों फिनिशिंग प्रोसैस फिनिशिंग डिपार्टमेंट के लाए हैं, उत्थे इन्हें कटिंग ऑपरेशन दें, उस कटिंग ऑपरेशन के नाल की है ये जड़े वेफ्ट के लंबे फ्लोट है इसनों विद दी हेल्प ऑफ असी नाइफ के नाल कटते हैं, तो जिस दे नाल की है जो ही कटते हैं तो यह कपड़े के सरफेस से इन दी फॉर्म ऑफ ब्रश और टफ्ट तुसी कह सकते हो कपड़े के सरफेस उत्ते वर्टिकल फॉर्म के खड़े हो जाते हैं। द ग्राउंड क्लोथ यूजली प्लेन और ट्विल इज अनअफेक्टेड बाय द नाइफ एक्शन। जड़ी ए ग्राउंड जड़ा ग्राउंड दा वार्प ते ग्राउंड दी पिक आपस में मिलके वो जड़ा बेस फैब्रिक बनाते हैं, वो बेस फैब्रिक की जड़ी वीव है वो प्लेन भी हो सकती है ट्विल भी हो सकती है। यह देखो प्लेन बेस जड़ा फैब्रिक बनेगा वो प्लेन भी बन सकता है ट्विल भी बन सकता है, बट जदों फिनिशिंग प्रोसैस के विच असी जदों कटिंग ऑपरेशन दें तो वो बेस फैब्रिक नूं कोई बेस फैब्रिक सादा टोटली अनअफेक्टेड रहिंदा, उस ते कोई इफेक्ट नहीं पैंदा, एंड फॉर्म ए सॉलिड बेस ऑन विच कट टफ्ट प्रोजेक्ट। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗਰਾਊਂਡ ਦਾ ਵਾਰਪ ਤੇ ਗਰਾਊਂਡ ਦੀ ਪਿੱਕ ਮਿਲ ਕੇ ਬੇਸ ਫੈਬਰਿਕ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਪਲੇਨ ਜਾਂ ਟੁਇਲ ਦਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਕ ਸੋਲਿਡ ਬੇਸ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਸਰਫੇਸ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਪਾਈਲ ਦੇ ਧਾਗੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੀਨਸ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਬਿਫੋਰ ਕਟਿੰਗ ਦ ਕਲੋਥ ਇਜ਼ ਪ੍ਰਪੇਅਰਡ ਫੋਰ ਕਟਿੰਗ ਬਾਈ ਸਟਿਫਨਿੰਗ ਦ ਸਰਫੇਸ ਇਨ ਆਰਡਰ ਟੂ ਡਿਫਾਈਨ ਦ ਕਟਿੰਗ ਰੇਜ਼ਿਸ ਮੋਰ ਪ੍ਰੀਸਾਈਸਲੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮਸ਼ੀਨ ਤੇ ਵੀਵਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਤੇ ਇਹ ਕੱਪੜਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੱਪੜਾ ਜੋ ਹੀ ਉੱਥੋਂ ਵੀਵਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫਿਨਿਸ਼ਿੰਗ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਏ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਕਟਿੰਗ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇਣਾ, ਬਟ ਜਦੋਂ ਕਟਿੰਗ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਕੱਪੜਾ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਸਟਿਫਨੈਸ ਲਿਆਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਮੀਨਸ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੱਪੜਾ ਥੋੜਾ ਆਕੜਿਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਟਾ ਸਿੱਧਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਪਰਪਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਸਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਸਰਫੇਸ ਕੀ ਹੈ ਸਟਿਫ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਹਾਰਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵੀਵਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਤੋਂ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਟਿਫ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਟਿੰਗ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦਈਏ ਤਾਂ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਕੱਪੜਾ ਸਿੱਧਾ ਜਾਵੇ। ਕੱਪੜਾ ਸਿੱਧਾ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਜਿਹੜੇ ਵੈਫਟ ਦੇ ਲੰਬੇ ਫਲੋਟ ਆ ਉਹ ਕੱਟੇ ਜਾਣਗੇ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਕੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਟਿੰਗ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕੀ ਹੈ ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਫੋਰ ਦਾ ਕਟਿੰਗ ਆਪਰੇਸ਼ਨ।
वो किस तरह करते हैं, असी ये फैब्रिक दे सरफेस नूं थोड़ा स्टिफ कर देने, हार्ड कर देने। फॉर दैट बैक ऑफ द क्लॉथ इज ट्रीटेड बाय एन एप्लीकेशन ऑफ एन एडहेसिव। इसलिए असी की करते हैं कपड़े की बैक साइड से असी एक एडहेसिव कोटिंग दे देने। यूजली वह की यूज करते हैं, स्टार्च यूज करते हैं। कपड़े की बैक साइड से की है वो स्टार्च की कोटिंग अप्लाई कर देते हैं टू इंश्योर द टफ्ट ड्यूरिंग कटिंग आर नॉट प्लक्ड आउट फ्रॉम द ग्राउंड स्ट्रक्चर। क्योंकि जड़ा कपड़े के सरफेस उत्ते जड़ा ब्रश फोम होंदा है और टफ्ट फोम होंदा है उसनू किसने फड़ के रखा होंदा है, बेस फैब्रिक ने। वो ऐस करके एरा सरफेस जड़ा बेस दा हार्ड किया जाता ताकि जो जो वेफ्ट का फ्लोट लंबा कटिया जाता है, कट्टन तो बाद जो उसके सरफेस उत्ते सानू ब्रश फॉर्म हो जाते हैं, वो ब्रश की है जड़े कपड़े के सरफेस उत्ते फॉर्म हो जाते हैं वो ड्यूरिंग द यूजेस बाहर ना निकलन, ठीक है, उसनू पकड़ के रख। द फैब्रिक आफ्टर कटिंग अंडर गोज क्रॉस वाइज ब्रशिंग ऑपरेशन। फैब्रिक का जो वेफ्ट के फ्लोर का अभी फिनिशिंग डिपार्टमेंट के जो कटिंग ऑपरेशन दे देने नाइफ के नाल वेफ्ट के लंबे फ्लोर कट देने, उस तो बाद की है वो सारा काम होने तो बाद असी फैब्रिक नू फैब्रिक दी दे सरफेस उत्ते असी ब्रशिंग ऑपरेशन करते हैं, उसकी सिंजिंग भी की जाती है तो डाइंग भी की जाती है। इस पर्टिकुलर फैब्रिक बनाने लई मोस्टली जो यान है वह कॉटन का यूज होंगे, बट रेयन या कि ओकेजनली असी वर्स्टेड भी यूज कर सकते हैं। तो इस द्वारा इस वीव के द्वारा इस वह जो वेलवेटीन फैब्रिक है यह असी वूमन या किड्स गारमेंट्स बच्चों के गारमेंट वास्ते भी यूज कर सकते हैं, बेड स्प्रेड्स वास्ते भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। नैक्सट है टाइप्स ऑफ वेलवेटीन फैब्रिक। वेलवेटीन फैब्रिक की टाइप्स केड़िया हैं, इसकी की क्लासीफिकेशन है। फस्ट है ऑल ओवर और प्लेन वेलवेटीन फस्ट टाइप, सैकेंड है ट्विल बैक वेलवेटीन, थर्ड है वेफ्ट प्लशिस, फोर्थ है कॉर्डेड वेलवेटीन, फिफ्थ है फिगर वेलवेटीन एंड सिक्स है डबल प्लशिस और रिवर्सेबल वेफ्ट पाइप। सो यह साडा जिहड़ा वेलवेटीन फैब्रिक है यह छे तरीके दे नाल असी क्लासीफाई कीता, ठीक है। असी अपने नैक्सट लैक्चर दे विच यह सारी क्लासीफिकेशन नू डिस्कस करांगे। तो मैं उम्मीद है कि तुहानूं मेरे वल्लों दित्ता लैक्चर समझ आ गया होगा। अगर किसी भी तरह की कोई कन्फ्यूजन होगी तो तुम मैनू दस सकते हो। थैंक यू।